अमेरिका में नौकरी की इच्छा रखने वाले भारतीयों और विदेशी नागरिकों के लिए अमेरिका से एक अच्छी खबर आई। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संसद में ग्रीन कार्ड की जगह नई इमिग्रेशन पॉलिसी बिल्ड अमेरिका वीजा का प्रस्ताव रखा। ये नई इमिग्रेशन पॉलिसी योग्यता और मेरिट के आधार पर होगी। अमरीका में फिलहाल दो तरह से प्रोफेशनल्स को वीजा मिलता है। पहला है ग्रीन कार्ड। आम ग्रीन कार्ड धारक अमरीका का नागरिक नहीं होता है, पर वो स्थायी तौर पर 10 साल के लिए अमेरिका में रह सकता है। अमेरिका से बाहर कितनी भी बार बगैर रोक टोक आ जा सकता है। अमेरिका में 5 साल से ज्यादा रहने के बाद नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। ग्रीन कार्ड धारक अमेरिका में जहां चाहे वहां किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में काम कर सकता है। चुनाव में वोट डालने के अलावा उसके पास सारे अधिकार अमरीकी नागरिकों जैसे ही होते हैं। दूसरा होता है H-1B वीजा। H-1B वीजा धारक अस्थायी रूप से अमेरिका में नौकरी करने, छुट्टी मनाने या पढ़ने के लिए रह सकता है। यह 3 साल के 2 हिस्सों में 6 साल के लिए वैध रहता है। इनके आने जाने की संख्या अमेरिकी कॉन्सुलेट निर्धारित करता है। नागरिकता के लिए उसे ग्रीन कार्ड लेना होगा, उसके बाद ही आवेदन कर सकता है। H-1B वीजा धारक उसी संस्था में काम कर सकता है जिसने उसे वीजा दिलवाया है। कंपनी या क्षेत्र बदलने के लिए उसे फिर से नए वीजा के लिए आवेदन करना पड़ता है। ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि वे इस नए प्रस्ताव के तहत बड़ा बदलाव चाहते हैं। इससे योग्यता को भी वरीयता मिलेगी। व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका हमेशा से विदेशियों का स्वागत करने वाला देश रहा है और भविष्य में भी करता रहेगा। बिल्ड अमेरिका वीजा के तहत ग्रीन कार्ड के लिए विदेशियों को इंग्लिश भाषा सीखनी होगी, साथ ही नागरिक शास्त्रीय परीक्षा भी पास करनी होगी। यह प्रस्ताव अभी संसद में है और इसको कांग्रेस की मंजूरी मिलना मुश्किल लग रहा है। संसद में डेमोक्रेटिक पार्टी का बहुमत है, जबकि सीनेट में रिपब्लिक का नियंत्रण है। दोनों पार्टियों के नेता इस प्रस्ताव को लेकर आपस में बटे हुए हैं। ट्रंप ने कहा कि हम उन लोगों को मौका देना चाहते हैं जो नागरिक के तौर पर अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। इस नई नीति का उद्देश्य उच्च डिग्री धारक और पेशेवर योग्यता रखने वाले लोगों के लिए स्थायी सदस्यता जैसे नियम सरल करना है।